कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उससे सबक लेकर पौधारोपण में जी जान से जुटकर पौधों का रखरखाव करना चाहिए। अधिक मात्रा में पौधे लगाकर ही सुखी जीवन की कल्पना की जा सकती है व प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निजात पाया जा सकता है। यह बात संगम उद्योग समूह द्वारा निःशुल्क पौधे व ट्री गार्ड वितरण अभियान के तहत मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राजेश गोयल ने आमजन को पौधे वितरित करते हुए कही। संगम उद्योग समूह के प्रबंध निदेशक एसएन मोदानी ने बताया कि अभियान के चौथे दिन हमीर सिंह, संपतलाल समदानी, अंकित गट्टानी, ऋषि समदानी, सत्यनारायण बिरला, मनोज स्वर्णकार सहित 515 व्यक्तियों एवं सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, विद्यालय व अस्पताल हेतु 6,900 पौधों का वितरण करने के साथ ही पौधों की सुरक्षा हेतु 255 ट्री गार्ड का भी वितरण किया गया। पौधा वितरण प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि पौधा वितरण में विद्यासागर सुराना, जमनालाल जोशी, मेघा जैन, किशोर लखवानी का सहयोग रहा। जाजू ने बताया कि वन विभाग की ओर से वितरण हेतु प्राप्त कार्मिक गंगा, नीम, गिलोई व तुलसी के औषधीय पौधे भी निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। संगम ग्रुप द्वारा इस वर्ष जो 1,00,000 वृक्ष और 5,000 ट्री गार्ड बांटने का जो पूरित कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से सामाजिक सरोकार की दिशा में एक अहम कदम है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने, संरक्षित करने और संवर्धित करने की दिशा में जो संगम ग्रुप का जो प्रयास है, जिसके प्रभारी हमारे जो पर्यावरणविद हैं, शहर के जाने माने हस्ती हैं आदरणीय बाबूलाल जी, आप इसके संरक्षक, आप देख रेख में सारा काम हो रहा है। आदरणीय मोदानी साहब इसकी पूरे कर्ता धर्ता है। तो ये जो प्रयास है, निश्चित रूप से मैं इसके लिए संगम ग्रुप को सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से और स्वयं की ओर से एक नागरिक के रूप में धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है, इसकी तो हम सबसे परिचित ही हैं कि पिछले कोविड के दौरान ऑक्सीजन की जिस तरह कमी महसूस की गई और जिस तरह उसकी कीमत महसूस की गई, तो उसकी दिशा में हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मैं चाहूँगा और मैं अपील करना चाहूँगा हर आम नागरिक से कि जो वृक्ष यहाँ से ले रहे हैं, इन वृक्षों को सुरक्षित तरीके से अपने घर पर जा करके लगाएँ, आसपास के पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखें। धन्यवाद। उद्योग समूह द्वारा इस 7वें वर्ष 1,00,000 पौधे और 5,000 ट्री गार्ड निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भीलवाड़ा की जनता में पेड़ लगाकर भीलवाड़ा को हरा भरा करने के प्रति बड़ा जबरदस्त उत्साह है। टाइम से 2 घंटे लेट तक ये कार्यक्रम चल रहा है। लोग पौधे ले जाकर उसे पल्लवित करने की प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं। दूसरा, पॉलीथिन और डिस्पोजल हटाने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति पौधे लेने आ रहा है, उसको कपड़े का थैला साथ लाना अनिवार्य है। ट्री गार्ड रतनलाल जी सामरिया और हिम्मत पारिक ये पहले आवेदन लेते हैं बिजली के बिल के साथ, उसके बाद सबको दूरभाष पर संदेश देकर के उन्हें ट्री गार्ड भी मुहैया कराया जाता है। जिन लोगों ने पिछले वर्षों में ट्री गार्ड नहीं प्राप्त किए, वो इस वर्ष भी आकर ट्री गार्ड के फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। पौधे प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो भीलवाड़ा ज़िले में कहीं भी रहता हो, उसको 5-7 पौधे, लगभग 30 से 35 प्रजातियों के पौधे हैं, जिसमें खासकर मोगरा, तुलसी, मीठा नीम, चांदनी, गुड़हल, मोगरा, क्रोटन्स, पीपल, बरगद, नीम, अशोक, टिकोमा, कनेर, गुड़हल, अन्य प्रकार के सारे पौधे, औषधीय पौधे जो वन विभाग देता है, नीम, गिलोई, काल मेघ, तुलसी, नीम, गिलोई, ये सारे पौधे भी यहाँ निःशुल्क दिए जा रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को तकलीफ ना हो। लोगों में अति उत्साह है भीलवाड़ा को हरा भरा करने का। कोरोना महामारी के बाद खासकर लोग प्राणवायु के लिए सजग हुए हैं और बहुत अच्छा जो है ये माहौल चल रहा है। मैं आप सब लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप कपड़े का थैला लेकर के नियमित रूप से 8 से 10 बजे के बीच में ही आइए, पर्ची प्राप्त करिए और पौधे लगाइए और भीलवाड़ा को हरा भरा बनाइए और प्रदूषण मुक्त बनाइए।